बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन काफी गहरा रहा है और ये किसी से छिपा भी नहीं है। कई बार जहां बॉलीवुड हीरोइनों का दिल अंडरवर्ल्ड के डॉन पर आया तो कई बार डॉन भी हीरोइनों की खूबसूरती पर फिदा हो गए। मंदाकिनी का दाऊद इब्राहिम से, मोनिका बेदी का अबू सलेम से, ममता कुलकर्णी का विकी गोस्वामी से, सोना का हाजी मस्तान से और अब ताजी ताजी नई नवेली सुष्मिता सेन का भगौड़े ललित मोदी से। एक तरफ तो ये अभिनेत्रियां अपने आप को महिला सशक्तिकरण का एग्जाम्पल बताती हैं, वहीं दूसरी तरफ इनके सशक्तिकरण की शक्ति गुंडे मवाली ठग भगोड़ा के पैसों के आगे पिघल जाता है। इसी कड़ी में एक नाम और नया जुड़ा है, पहले उसकी कहानी सुनिए और फिर नाम बताती हूँ। आगे सुनने से पहले लाइक का बटन दबा दीजिए। सुकेश ने उसे 5.71 करोड़ के तोहफे दिए। आंकड़ा मेरा नहीं, परिवर्तन यानी ईडी का है दोस्तों। ईडी के पूछताछ पर उसने खुद पिछले साल अक्टूबर में बताया था कि सुकेश ने तोहफे में केवल 52 लाख रुपए का अरबी घोड़ा दिया और 3 पर्शियन बिल्ली थी और एक बिल्ली की कीमत करीब सिर्फ 9 लाख रुपए है। इसके अलावा हीरे के 15 झुमके भी थे। उसने ईडी को पूछताछ से बताया कि सुकेश ने तोहफे में उसे कई रंगों के बेशकीमती पत्थर से जड़े ब्रेसलेट और 2 हर्मेस कंपनी के ब्रेसलेट भी दिए थे। सुकेश ने उसे बैग, जिम वेयर, महंगे जूते और रोलेक्स की घड़ी भी दी थी। सुकेश ने उसे मिनी कूपर कार भी तोहफे में दिया था जिसकी कीमत भारत में केवल 40 से 50 लाख के बीच में है। ईडी के अनुसार सुकेश ने उसके परिवार को भी लगभग 2 करोड़ रुपए की रकम दी और परिवार तक इस पैसे को पहुंचाने के लिए सुकेश ने अंतरराष्ट्रीय हवाला कारोबारी अवतार सिंह कोचर की मदद ली थी। सुकेश ने एक स्क्रिप्ट राइटर की भी 15 लाख रुपए दिए ताकि वो उसके लिए एक वेब सीरीज लिखे। सुकेश 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 कितना प्यारा है ये सुकेश। ये कहानी है श्रीलंकाई मूल की बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस की दोस्तों। पहले ये जानिए कि अब ये सुकेश बेबी कौन है। ठग सुकेश चंद्रशेखर कर्नाटक में बेंगलुरु का रहने वाला है। कहा जाता है कि 17 साल की उम्र में ही उसने ठगी शुरू कर दी थी। ठगी की शुरुआत उसने नौकरी दिलाने के नाम पर की। सुकेश ने 100 से ज्यादा लोगों की नौकरी के नाम पर 75 करोड़ से ज्यादा अधिक की रकम ठगी का आरोप उस पर लग चुका है। 2017 में चर्चा तब आया जब उसे चुनाव आयोग रिश्वत मामले में तमिलनाडु से गिरफ्तार किया गया। सुकेश पर आरोप था कि 2 पत्तियों वाले चुनाव चिन्ह के मामले में अफसरों को रिश्वत देने के लिए IADM के नेता TTV दिनाकरन से पैसे लिए थे। पुलिस के अनुसार AIADAM के नेताओं से सुकेशन ने 50 करोड़ की डील की थी। गिरफ्तारी के वक्त उसके पास से केवल पुलिस ने 1.3 मतलब लगभग 1.5 करोड़ रुपए बरामद किए थे। चंद्रशेखर पर फोर्टिस हेल्थ केयर के पूर्व प्रवर्तक शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह समेत कुछ अन्य लोगों से भी धोखाधड़ी करने के आरोप हैं। सुकेश चंद्रशेखर मामले में ईडी ने जैकलिन को भी आरोपी बनाया है। ईडी का आरोप है कि जैकलिन केवल 215 करोड़ रुपए की रंगदारी के मामले में लाभार्थी है। सूत्रों के मुताबिक अभिनेत्री को पता था कि सुकेश चंद्रशेखर एक अपराधी है और जबरन वसूली करने वाला था। सुकेश इस समय दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है दोस्तों। ईडी अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस के खिलाफ रंगदारी के एक मामले में आज चार्जशीट दाखिल कर सकता है। ईडी ने 215 करोड़ रुपए की रंगदारी के मामले में अभिनेत्री को आरोपी बनाया है। उसके सुकेश को गले लगाते और कोजी होते हुए प्यारी प्यारी तस्वीरें आसानी से इंटरनेट पर उपलब्ध हैं और उसके बाद भी वो कहती हैं ठगी गई हैं। सुकेश ठग का शिकार हुई है। जैकलिन अब अपने सोशल मीडिया पोस्ट में बेचारी लिखती हैं, डियर मी, मैं दुनिया की हर अच्छी चीज डिजर्व करती हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं खुद को अपनाती हूँ, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा, मैं मजबूत हूँ, स्ट्रांग हूँ और मैं अपने सारे सपने पूरे करूंगी, मैं सब कर सकती हूँ। बताती चलूँ कि इसी मामले में ईडी जैकलिन की 7 करोड़ रुपए की संपत्ति अब तक जब्त कर चुकी है और उसके विदेश दौरों पर भी अब रोक लगा चुकी है। उसके बाद भी बेशर्मी की हद देखी और धीरे धीरे देखते हैं कि ऐसे ही सबकी नग्रता कैसे बाहर आती जाएगी। दीपिका पादुकोण 5 करोड़ रुपए लेकर टुकड़े टुकड़े गैंग का सपोर्ट करने JNU चली गई थी, याद है ना आपको। बस इन्हें तोहफे और पैसे दे दीजिए और कुछ भी करेंगी। और उसके बाद भी आज भी देश की कुछ लड़कियों को ये रोल मॉडल लगती हैं और इनकी तरह वो बन जाती हैं। यही तो हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि ये ऐसी रोल मॉडल कैसे बना सकती हैं। मेरे लिए ये रोल नहीं, रोल मॉडल ही कहूंगी मैं इनको। बाकी जैकलिन के ऊपर चार्जशीट अभी जारी है, आज फाइल कर सकती है ईडी और आगे क्या होता है इस केस में हम आपको जरूर बताएंगे। बाकी आप चैनल पे बने रहे और बेचारी जैकलिन के लिए आपके जो प्यारे प्यारे शब्द हैं कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं और स्टार की बौछार लगाना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।